आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने सोयाबीन लिया है, टमाटर लिया है, टमाटर को कद्दूकस कर लिया, प्याज को कद्दूकस कर लिया। फिर कुकर में तेल डालेंगे, तेल गर्म हो जाएगा, इसमें हम सोयाबीन डालेंगे, सोयाबीन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद कटोरी में मसाला लेंगे, जिसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और किचन किंग मसाला लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल बना लेंगे। घोल बनाने के बाद कुकर में उसी ऑयल में हम थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे। उसके बाद खड़े मसाले पक जाने के बाद प्याज डालेंगे। प्याज का कलर जब हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद इसमें हरी मिर्च डालेंगे, टमाटर डालेंगे, टमाटर भी थोड़ा सा पक जाएंगे। उसके बाद हमने जो कटोरी में घोल बना के रखा था मसालों का, वो डाल देंगे। घोल पकने के बाद तेल हल्का सा ऊपर आ जाएगा, जब तेल इसमें दिखने लगेगा तो फिर इसमें डालेंगे हम जो हमने आलू काट के रखे थे और सोयाबीन को हमने जो उसको फ्राई करके रखा था वो डाल देंगे। वो डालने के बाद इसको थोड़ा सा चला लेंगे, मसाले मिक्स हो जाएंगे। सादा नमक लेंगे, नमक डाल देंगे आधा चम्मच। कुकर का ढक्कन लगा देंगे, ढक्कन लगाकर इसको 2-3 सीटी आने तक पकाएंगे। और ये बन गई है हमारी सब्जी।